इस वीडियो में यार बात करने वाले एक नई मूवी के रिव्यू के ऊपर जिसका नाम है जस्टिस लीग या स्लाइडर कट, जिसका फाइनली रिलीज कर दिया गया बुक माय शो पर। और क्या भाई क्या मूवी है उसी बारे में करेंगे बात। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट देखना, आपको मजा आएगा और मजा आए तो लाइक कर देना। तो फिर चलो बढ़ते अपनी वीडियो को। देखो यार, मैं आगे पढ़ने से पहले बता दूं, मैं डीसी यूनिवर्स से कोई खास फैन हूं नहीं और ज्यादा इसकी मूवीज मैंने देखी नहीं है, पर हाँ इसको देखा है और इससे पहले कुछ और मूवीज को देखा है, जैसे यार बैटमैन के सारे पार्ट हो गए प्लस यार कुछ और सारी मूवी, पर यार उतना ज्यादा पता नहीं है जितना ज्यादा यार मार्वल के बारे में पता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत हो ये ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने जितना अपने इस समय देखा है और जितना एक्सपीरियंस किया इस मूवी को रिलेटेड है वही बताने वाला हूँ। अब इसके फैन जो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनका कनेक्शन कुछ और होगा, जैसे हम लोगों का मार्वल के साथ है। तो यार चलो हम बात कर लेते हैं थोड़ा मूवी के बारे में। तो देखो यार पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। देखो स्टोरी के बारे में बिल्कुल नहीं बात करने वाला। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि जो पुराने वाली जस्टिस लीग मूवी आई थी उसके ऐसी होगी, तो बिल्कुल भी इस भ्रम में मत जाना देखने, क्योंकि उससे बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, बिल्कुल ही डिफरेंट। आपको हर पॉइंट पर कुछ अलग देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हो कि यार थोड़ा बहुत तो सेम मिलने ही वाला है, तो थोड़ा बहुत वो भी नहीं मिलता है मेरे उम्मीद से, तो क्योंकि उससे टोटली अलग है। वहीं बात कर ले एक्शन फाइट सीन और कुछ सीन के बारे में, तो हम कुछ सीन यार उसके ऐसे सेम उठाए गए जो कि नॉर्मली से बात होनी चाहिए थी, पर यार वो भी इसके लिए प्लस पॉइंट होता है क्योंकि वो इतना आपका आंखों में खिलेंगे नहीं और आपको ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, थोड़ा बहुत है जो काम चल जाएगा। पर इससे अलग सलाह हर कैरेक्टर को जिस तरीके से इस पर दिखाया गया, एक्सप्लेन किया गया बहुत जल्द, चाहे फ्लैश का कैरेक्टर हो, चाहे वंडर वुमन का हो, या फिर सुपरमैन का नया लुक हो, या इससे अलग जो विलन कैरेक्टर हो उनको यार जो नया लुक दिया गया वो बहुत लाजवाब है। और सच में जिस तरीके से स्टोरी को स्टार्टिंग से लास्ट तक प्रेजेंट की गई बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये मतलब एक तरीके से जो यार सीरियस मूवियों को देखने वाले है ना उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एक अच्छे प्लॉट वाली मूवी जो देखते हैं ना उनको ये मूवी यार बहुत ज्यादा पसंद आएगी। पर इससे अलग बात ये भी है, ये भी जिसको यार मास वाली मूवी पसंद होंगी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक और थोड़ा बहुत ऐसी चीजें, तो वो सब ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलता नहीं है। मतलब मूवी थोड़ा बहुत डार्क हो जाती है, थोड़ा बहुत कि काफी ज्यादा डार्क हो जाती है। लगभग यार डीसी यूनिवर्स की मैंने जो मूवी देखी है उनमें लगभग यही मुझे सबसे ज्यादा डार्क लगी, जो कि एक रियलिटी है। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इस वजह से पसंद नहीं आए, पर इसको अगर साइड में रखो तब यार पूरी मूवी की स्टोरी यार लाजवाब है, आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा धमाकेदार है। सबका लुक जो मिला है नया नया वो कमाल का लगता है और मतलब लाजवाब। इससे लगता है यार एक्शन फाइट सीन में जाके देखोगे जो लास्ट वाला बैटल है, आउटस्टैंडिंग, कसम से यार मजा आता है देख के। अब देखो जिसने यार पहले से इसको देखना स्टार्ट किया होगा डीसी यूनिवर्स को, उसके लिए तो ये तोहफा होगा और भरपूर आनंद ले रहा होगा उसका। पर जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने इसकी मूवी ज्यादा कुछ देखी नहीं है, पर फिर भी मुझे मजा आया था उसको देख के, बहुत ज्यादा आया। बीजीएम से भी आप बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाले हो, मतलब यार मूवी का जो म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा। और प्लस जो इसके वीएफएक्स है वो थोड़ा कमजोर लगे मुझे, मतलब इतने ज्यादा खराब भी नहीं है पर बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, मीडियम यार वीएफएक्स है पर तब भी अच्छे लगते हैं, थोड़ा और बेटर कर सकते थे लोग। बाकी यार इससे जो कई सीन दिखाए गए वो लाजवाब है, जिस तरीके से उनको शूट किया गया, मतलब यार पूरे मूवी के बारे में जो बोला जाए ना स्टार्टिंग से लगे लास्ट तक तबाही है। और खास तौर पे चाहे वो आप पहले आपने मूवीज नहीं देख रखी, इसको भी देखने बैठ गए ना तो लगभग यार 4 घंटे कब निकल जाएंगे और कब आपकी मूवी खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मतलब आप मूवीज ज्यादा बोर होते नहीं हो, स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा तगड़ा है और उससे आप बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाले हो, मैं खुद हुआ था। मतलब यार पूरे तरीके से मजा आ गया था मूवी को देख के, आउटस्टैंडिंग मूवी थी, मतलब क्या बोला शब्द नहीं आ रहे। जितना मैं खुश हुआ था मार्वल के टाइम पे जब यार एंड गेम आई थी, उतना ही खुश यार इस टाइम हुआ था। पर इसमें एक बात ये भी कि यार कई सारे क्वेश्चन माइंड में छोड़ के चली जाती है, इसका अगला पार्ट भी इन लोगों को लाना चाहिए, जो कि यार लाएंगे ये लोग अगर पैसा कमाना है तो, क्योंकि यार इस मूवी की स्टोरी से कई सारे पॉइंट बच जाते हैं जिसको यार एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन्हें, और अगर पैसा कमाना है तो यार मूवी का अगला पार्ट तो लेकर आएंगे ही। बाकी यार ओवरऑल बात करें मूवी के बारे में, मूवी अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है, पसंद आने वाली है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर देखो, मिल जाएगी आपको बुक माय शो पर। हाँ 4 घंटे की लेंथ है तो थोड़ी बहुत लेंथ बड़ी है, पर आपको बोर नहीं करने वाली है। तो फिर जाओ देखो, एंजॉय करो, आपको मूवी अच्छी लगने वाली है और पसंद आने वाली है। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक क्लियर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ बोलना हो तो जाकर कमेंट में बता सकते हो।